हेलो एवरीवन एंड नमस्ते, जय जगन्नाथ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज बहुत सारा काम है। आज मैं आप लोगों को मेरा फ्रीज डीप क्लीनिंग वाला वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये सबको बर्तन वगैरह में रखने के बाद आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ। आज एक्चुअली मैं फ्रीज डीप क्लीनिंग करूंगी। सबसे पहले तो फ्रीज को खाली कर लेती हूँ। देखिए ऐसे एक बास्केट है जिसमें भी मैं सब चीजें रखती हूँ। टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। ये देखिए मैं फ्रीज के अंदर ना एक ऐसा नींबू का एक हाफ, आप अगर निचोड़ भी लेते हो ना तो भी चलेगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ ना, फ्रीज के अंदर रखती हूँ। फ्रीज में एक स्मेल जो हो जाता है ना, ये रखने से बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी ये ड्राई हो गया है तो इसको मैं अभी थ्रो कर रही हूँ। बाकी सामान खाली कर लेते हैं। ये देखिए सामान है, पहले सामान खाली करना पड़ेगा। आपको खाना है? बड़ी बड़ी बोलते हैं इसको। ये उड़द दाल से बनाया जाता है। अगर इसको बाहर रखो ना तो ये खराब हो जाता है, तो मैं इसलिए इसको ऐसे फ्रीज के अंदर रखती हूँ। देखिए मैं फ्रीज साफ करते करते ना मुझे ये पान मिल गया। ये इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। ये मैंने खोल ली एंड उसके अंदर से इससे निकलता है, उसमें गोलकंद वगैरह सब कुछ पड़ा रहता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। इस किसका है? ये देखिए ये वाला पैकेट है। नेचुरल बाइट शाही पान ऐसे पैकेट में आता है और इसका प्राइस 70 रुपीज है। मतलब मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, मुझे बहुत पसंद है। अगर चाहे तो आप अमेजन वगैरह में आप ढूंढ सकते हैं। ये तो मैंने डीमार्ट से लाई थी। अगर आप फ्रीज कर रहे हैं ना, ये देखिए ऐसा वाला एक लीजिए। ये आराम से इधर से आप ऐसे घुसा सकते हैं और इसको ऐसे ड्रॉयर के जैसे निकाल सकते हैं। इसमें मैं अदरक रखती हूँ और हरी मिर्च, ये सब रखने के लिए सही रहता है। ये देखिए ये वाला रैक में ऐसे सब पाउच जो थोड़ा बहुत बच जाता है मैं इसको रखी हूँ। मक्के का आटा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें ओट्स, मतलब इस देखिए कितना थोड़ा सा गंदा होके पड़ा है ये। अब इसको सब मैं एक ही जगह करके रख दूंगी। ये देखिए साफ हो गया पूरा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली हो गया है हमारा ऊपर का। देखिए इस बार सेक्शन तो हमारा हो गया है।
अभी ये साइड साइड का थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। और सबसे जो ज्यादा देखिए ये आप देख सकते हैं पूरा मैंने क्लीन कर ली हूँ। एंड मैंने ये जो रैक है ऊपर वाला रैक में ज्यादा कुछ स्क्रैच होने वाला चीज रखती नहीं हूँ, इसलिए मैं ये खाली रखती हूँ। नहीं तो देखिए हर रैक में मैं इसे डाल के रखती हूँ, क्योंकि ये जो ग्लास है बिल्कुल गंदा भी नहीं होता है एंड बहुत ही क्लीन। देखिए कितना क्लीन है मेरा ये ग्लास। एंड मेरा जो फ्रीज है 6-7 साल पुराना हो चुका है, ये देखिए पूरा अच्छे से क्लीन है। एंड अभी जो मेरा सबसे ज़्यादा गंदा हुआ है ये भी देखिए पूरा क्लीन हो गया है। तो ये एक्चुअली मेरा पेंट्री सेक्शन है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे मेरा ये खुलता है, तो ये पेंट्री सेक्शन है, तो इसमें ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अभी मेरा सबसे जो गंदा वाला चीज़ है वो सब्जी वगैरह मैं देख के रख लेती हूँ। देखिए पूरा फ्रीज क्लीन हो गया है, अब ऊपर की बारी है, ऊपर को साफ कर लेते हैं। अब देखिए बिल्कुल फ्रीज क्लीन हो गया है। ये पता नहीं बीच में कोई शैडो दिख रहा है, ये देखिए गंदा नहीं है कुछ, अच्छा इधर का शेडो दिख रहा है एंड उस तरफ साफ है। इस तरफ का हाल देखिए, तो नीचे का भी देखिए। तो चलिए आज था मेरा यही छोटा सा एक ब्लॉग था जो कि फ्रीज क्लीनिंग वाला है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हो अपना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।